कमल जिसे कोमल ने नो में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल ने नो में एकदम आंसू भरे आए। अरे आनंद हो रे पाया मैं जब ब्राह्मण देव नजर आए, कमल जिसे कोमल ने नो में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल ने नो में अपने हाथों पाव पखारे चरणों में सर दे लगे, अपने हाथों पाव पखारे चरणों में सर धरने लगे। दोनों साथ पढ़े गुरुकुल में इब अनाथ रहने लगे, डांटे से भी डटते ना ऐसे प्रेम के आंसू बहने लगे, डांटे से भी डटते ना इसे प्रेम से आंसू बहने लगे। किस तरिया से मेहर करी आज कहो सखा क्यों कर आए, कमल जिसे कोमल ने नो में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल ने नो में एकदम आंसू भरे आए। जिसको देख करके हमारे स्वयं राजा उनके स्वागत सत्कार में दौड़ पड़े हैं। साथियों, जिस भगत के लिए, जिस भगत सुदामा के लिए स्वयं भगवान ने आंसू बहाए हो, उससे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। एक बार जोरदार ताली श्री कृष्ण जी सुदामा के सम्मान में आपकी तरफ से होनी चाहिए, जोरदार ताली। और दूसरी कड़ी में क्या निकलना, पूजन खुद कृष्ण जी ने आया, यार सुदामा का पूजन फिर कृष्ण जी ने आन करया। रुक्मण जो ढुलोरी थी न्यू सबके मन में उमंग भरया, आती थी सत्कार करणिया भवसागर से पार करया, आती थी सत्कार करणिया भवसागर से पार करया। साथियों, श्री कृष्ण जी महाराज जानते थे सुदामा के घर में टोटा क्यों आया, क्योंकि बचपन में साथ पढ़ा करते थे। मेरे आदरणीय भाई हैप्पी बरालू जी, वो 100 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का, हमारी मंडली का सम्मान बढ़ा रहे हैं।
100 रुपए गुप्त दान और 100 रुपए सत्यनारायण जांगिड़ जी हमारे हमारी इस रागनी पर खुश होकर के आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। साथियों, यार के साथ में विश्वासघात कभी करना नहीं चाहिए। सुदामा जी और कृष्ण जी के लिए एक पोटली में चने बांध करके दिए थे गुरु जी ने, गुरु माता ने भेज दिया जाओ जंगल से लकड़ियां ले आओ। लकड़ी लेने के लिए गए, सुदामा के मन में लालच आ गया, सोचने लगे कि ये जो चने दिए हैं इनको तू अकेला खा जा। कृष्ण जी पेड़ पर चढ़े हुए थे, लकड़ियां तोड़ रहे थे और सुदामा इकट्ठी कर रहे थे, तो सुदामा ने कहा कि मैं अभी आ रहा हूं, थोड़ा सा कुछ काम करके आता हूं, हल्का हो जाऊं, और बहाना सा भरा ओट में जाकर के और वो सारे चने आप चबा गए। साथियों, चने चबाने का मतलब ये हुआ कि सुदामा के घर में तो टोटा आया और कृष्ण जी द्वारका के राजा हो गए। वैसे सुदामा भी जानते थे अगर उन चनों को श्री कृष्ण जी खा लेते तो श्री कृष्ण जी महाराज यानी कि हर जगह टोटा छा जाते। इसलिए सुदामा उस पोटली को, क्यों उसकी भी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन उसी इतनी लंबी कहानी को ना बताते हुए शॉर्ट रूप में आपके बीच में बता रहे हैं, क्योंकि कलाकार बहुत हैं। तीसरी गली के माध्यम से क्या लिखा बोला, बहुत अच्छी कलाकार हैं उषा जांगड़ा में, रितु जांगड़ा जी उनकी मम्मी कृष्णा देवी, वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान हमारे कलाकारों का बढ़ा रही, हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। कैसे बना प्यार सका, रात अंधेरी सर छाकी में वर्षा मुसलधार सका, मेरी खातर अपने घर से क्या लाए उपहार सका, वो मेरी खातर अपने घर से क्या लाए उपहार सका, वो खाली हाथ साथ में कुछ ना, खाली हाथ साथ में कुछ ना, और कितने तो न धरिया आए अमर जी से गोबर भरे आए। आदरणीय राजकुमार जांगड़ा जी, जिनके यहाँ पर आज सभी कलाकार अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं, 100 रुपए से सम्मान बढ़ा रहे हैं। आदरणीय भूप सिंह जी, वो भी 100 रुपए देकर के कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। साथियों, श्री कृष्ण जी महाराज सुदामा से कह रहे थे कि भाई भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ देकर भेजा होगा तुम्हें, और सुदामा अपनी गरीबी को छुपा रहे थे, पोटली में चावल थे वो पीछे की तरफ छुपा लिए, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो ये तो राजा है, इनके दरबार के लोग तेरी स्पोर्टली को देख करके तुझ पर हंसने लगे कि सुदामा क्या लेकर आया कृष्ण जी के लिए। लेकिन साथियों, श्री कृष्ण जी बहुत बहुत चतुर थे, सुदामा का हाथ पीछे की तरफ देखा, झपट्टा मारा और पोटली छीन ली, और कहने लगे कि आज भी तू मेरे साथ में दगा कर रहा है, मेरी भाभी ने कुछ मेरे लिए जो भेंट दी भेजा कुछ उसको भी तू अकेला अपने पास में दबाए हुए है। पोटली छीन ली और कैसे प्यार में भर के सुदामा को तो राजा बना रहे हैं, क्योंकि एक मुट्ठी खाने का मतलब एक लोग दे दिया, और श्री कृष्ण जी महाराज प्यार भाव में दो मुट्ठी चावल कैसे खाते हैं सुनिए। प्रेम से खावन लागे, छीन लिए कानून की
जाए। ओ मीठी मीठी बात बैठ दोनों बतलावन लागे, अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे। अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे। जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, अमन जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। आनंद हो लगे माया में हम ब्रह्मा देव नजर आए, अमन जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। अमन जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। सोनू टैक कैसे।